यूरोपियन हिस्ट्री में कहीं ना कहीं बाई 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ द 19th सेंचुरी में ये एक वाइडेंस टॉपिक माना जाता है, फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट, बिकॉज यहाँ से ही जो यूनिफिकेशन वाला जो प्रोसेस चलता है कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में, फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट उसमें एक अहम किरदार निभाता नजर आ रहा है जर्मनी को लेकर, राइट? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट वाला एक सेंस कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि किसी असेंबली के बारे में ये बताने की कोशिश करी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक नेशनल असेंबली है। मैं यहाँ पर एक जर्मन टर्म लिख देता हूँ सबसे पहले, जर्मन टर्म, ठीक है, फ्रैंकफुर्टर। पता नहीं मैं जर्मन में बोलने की कोशिश कर रहा हूं कितना सही, आई डोंट नो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेशनल वर्ड्स ऑफ लंग, नेशनल वर्ड्स एम, फ्रैंकफुर्टर नेशनल वर्सम्लांग, इस तरीके से इसको कहा जा सकता है, राइट? तो लिटरली इसका मीनिंग ही होता है, लिटरली मीन्स फ्रैंकफुर्ट, फ्रैंकफुर्ट नेशनल असेंबली। राइट? आइए, किस टाइप की नेशनल असेंबली है? वी कैन से दैट वॉज द फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड पार्लियामेंट, वॉज द फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड पार्लियामेंट इन जर्मनी। राइट? दस यहां बात समझ में आती है कि फ्रैंकफुर्टर नेशनल, सॉरी फ्रैंकफुर्टर नेशनल वर्सम्लैंग कहने का मतलब है फ्रैंकफुर्ट नेशनल असेंबली की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? सो इट इज बेसिकली कहा जा सकता है कि एक ऐसा नेशनल असेंबली है जो बेसिकली सबसे पहली बार फ्रीली इलेक्ट किया गया था जर्मनी में, राइट? अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करते कि है क्या ये, तो आपको पता ही होगा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बिस्मार्क के आने के बाद जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। एट द सेम टाइम यूरोप के और भी बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पर भी यूनिफिकेशन वाला मामला स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट कहीं ना कहीं जो होता ना एक राइट एंड लेफ्ट वाला सेंस, वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ये सेंस जरूर था कि जितनी भी क्लर्जीज थी या फिर जितने भी बड़े बड़े नॉबिलिटी जो क्लास थी, बेसिकली उसको कहीं ना कहीं अब उसके सामने अपने राइट्स को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ हम भी सोसाइटी का हिस्सा है कहीं ना कहीं, तो ये लोग अब जो सोसाइटी में वो लोग जो छोटा स्टेटस रखते थे, अब वो भी कहीं ना कहीं पावर में आने लगे, उनको भी ह्यूमन राइट समझ में आने लगा, तो कहीं ना कहीं फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट उसका एक एक लॉन्ग कल्मिनेशन कहा जा सकता है, राइट? तो ये एक ऐसा कल्मिनेशन था फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट जो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म की तरफ हम लोगों को इशारा करा। तो जाहिर सी बात है फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट को स्टैब्लिश करने वाले कुछ लिबरल लोग ही थे जो ये बता रहे थे कि नहीं, अब नॉबिलिटी ही नहीं, जी हाँ दोस्तों, और अगर रहेगी नॉबिलिटी रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसा मोनार्की जहां पर राजा तो रहेगा, हुकूमत तो रहेगा, लेकिन प्रजा का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा वहां पर, यानी लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा वहां पर, मतलब बादशाह बराए नाम रहेगा, ये बादशाह सिर्फ नाम का रहेगा, ये होता कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे इंग्लैंड में, जिसको जिस तरीके से आप कह सकते हो। तो ये फंडा कहीं ना कहीं यहां पर लागू करने के बारे में सोची गई थी, लोगों ने प्रपोजल रखा था, राइट? अब एक और मामला है यहाँ पर, मैं आपको वो बता देता हूँ कि स्टैब्लिश कब हुआ था, वो चीजें लिखना जरूरी है। सो इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 1848,
1848 का जमाना था कहीं ना कहीं। ये कहीं ना कहीं 1848 कहने का मतलब है ये जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, राइट, तो उनके बाद का ही जमाना था, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा यूरोप इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। और साथ ही साथ 1848 वो जमाना था जिसको हम लोग रैशनलिज्म का जमाना कह सकते हैं। ये वो जमाना था जब इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह में रेवोल्यूशन आ रही थी, चाहे वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो, चाहे वो दूसरे टाइप के बड़े बड़े और भी फील्ड में रेवोल्यूशन हो रही थी, राइट। तो 1848 उसके बाद कहा जा सकता है कि ये जो मीटिंग चली थी बेसिकली वो होता हमारा 31 मई 1849 स्टैब्लिश हुई थी, नो डाउट 1848 में, लेकिन ये जो मीटिंग कन्वेंट की गई थी वो था 31 मई 1849 तक चला। और कुछ लिबरल्स कहा जा सकता है, कुछ 800 डेलीगेट्स इनका इन्वॉल्वमेंट यहां पर देखा गया था। और काफी शानदार तरीके से इन्होंने एक मीटिंग का आगाज मीटिंग को कन्वेंट किया एक चर्च में। ऑर्गेनाइज द मीटिंग अ कन्वेंट अ मीटिंग इन अ चर्च। तो पहले यह भी जान लीजिए कि फ्रैंकफुर्ट जो है एक जगह का नाम है दोस्तों, हाँ, तो फ्रैंकफुर्ट नामी जगह पर कहीं ना कहीं ये कुछ 800 डेलीगेट्स मिलकर जो है एक चर्च में एक मीटिंग करते हैं, एक प्रपोजल रखते हैं, राइट। और इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट का भी नाम मैं लिख देता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट वाज हेनरिक वॉन गैगन। राइट। अब चूंकि बात करेंगे दोस्तों के स्टैब्लिश हुआ ये 1848 में कुछ लिबरल्स के द्वारा, तो जाहिर सी बात है प्रपोजल्स भी लिबरल होंगे। कैसे प्रपोजल्स थे देखते आगे। द पार्लियामेंट प्रपोज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसा कि मैंने अभी इन शॉर्ट बताया था आपको, मैं लिख देता हूं यहां पर, द पार्लियामेंट proposed a constitutional monarchy, right, headed by a hereditary एम्पायर, राइट। और यहां पर कहीं ना कहीं उस वक्त से जो एम्पायर होंगे तो उस एम्पायर का एक टाइटल होगा जिसको हम लोग कैसर के नाम से जानते हैं। यही रीजन है कि बाद में आपने सुना होगा कैसर विलियम द सेकेंड, कैसर विलियम फोर्थ, कैसर विलहम, इस तरीके से बहुत सारी आपने अलग अलग कैसर के नाम सुने होंगे। तो ये कैसर बेसिकली वहां के एम्पायर जो होते हैं, जर्मनी के जो एम्पायर होंगे उनको कैसर का टाइटल दिया जाता है, राइट। पर्पस क्या था दोस्तों, आप एक पर्पस के बारे में जान लेते हैं इन शॉर्ट। इट्स पर्पस वाज टू प्लान द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि जैसे ही ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट स्टैब्लिश हुआ, लेकिन बाद में चलकर फेल भी हुआ जो मैं आपको बता दूंगा, तो इसका मेन जो पर्पस था वो था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। लेकिन इस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में कहीं ना कहीं बाद में जब बिस्मार्क उभर कर सामने आए तो उनकी फॉरेन पॉलिसी लाजवाब थी, काबिले तारीफ है, सबको पता, हॉट आयरन एंड ब्लड वाली पॉलिसी उन्होंने अप्लाई, और उनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी
यू नो वाज समथिंग डिफरेंट, जो कहीं ना कहीं जर्मनी को एक सबसे ज्यादा ताकतवर या पावरफुल कंट्री कहलाने पर मजबूर करती है। सही रीजन है कि 19वीं सेंचुरी में जो सबसे पावरफुल कंट्री थी वो थी जर्मनी, राइट और कहीं ना कहीं उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम था मेरे जुबान पे नहीं आएगा, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, पॉल्स क्रिचेन वैरसंग वैरफसंग कुछ भी हो, पॉल्स क्रिचेन वैरफसंग, पॉल्स क्रिचेन वैरफसंग whatever, which proclaimed German Empire, which proclaimed German Empire based on the principles of parliamentary democracy. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो यहां पर डेमोक्रेसी होगी। अब ये बात फैसला किया जा चुका था 1850s के अराउंड, राइट लेकिन होता क्या है, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड द अटेम्प्ट टू यूनिफाई जर्मनी थ्रू पॉलिटिकल रिफॉर्म फेल्ड। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, फेल होने का रीजन होता है कि वहां उस वक्त जो प्रुशियन किंग होते, प्रुशियन किंग जो होते हैं जिनका नाम होता है फ्रेडरिक विलियम, सॉरी फ्रेडरिक विलियम फोर, ये कहीं ना कहीं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और क्राउन को एक्सेप्ट नहीं करना ये कहकर के लाइक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी गटर से, ये क्राउन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी गटर से उठाकर उनको दिया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट यही था। सो बेसिकली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1848 में, ये सिनेरियो देखा गया है एंड देन एक नया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यहाँ पर जन्म लेता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद, राइट। सो टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।